तो भाई हम वही 36 किलोमीटर आए इस ऑर्डर पे, और 36 किलोमीटर के 411 रुपये हैं, और कंप्लीट करते हैं इस ट्रिप को 5 स्टार के साथ में, डन कर देते हैं। वीडियो देखते हो तो कोरियर वाला होगा आपका, तो फिर तो सारे एड्रेस पता होंगे, तो बताओ C17 कहाँ पर है। तो हंसते खेलते भाई हमारा ये ऑर्डर भी हो चुका है डिलीवर 5 स्टार के साथ में, इसको भी करता हूँ डन, और 15 किलोमीटर के मैं दिखाता हूँ आपको कितने पैसे मिले इस ऑर्डर पे कमीशन कटने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, मेरे मेन चैनल पर 50,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, और आज हमारे मेन चैनल पर 50,000 प्लस फैमिली मेंबर, किंग फैमिली मेंबर हो चुके हैं। भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखो, आगे भी इस तरीके से ही मेहनत करते रहेंगे और आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। बाकी भाई मैं निकल रहा हूँ पोर्टर करने, मौसम एकदम बढ़िया, धूप निकल रही है कड़ाके की, और मैं भाई ये ऐसे ग्लव्स वगैरह पहनता हूँ ताकि मेरी बॉडी स्किन काली ना हो, क्योंकि अगर हाफ टी शर्ट पहनी है तो ये पहन लेता हूँ, अगर फुल पहनी है तो ग्लव्स पहन लेता हूँ। फटाफट चलते हैं फील्ड में, देखते हैं भाई साहब आज पोर्टर के साथ कितनी अर्निंग होने वाली है। भाई अभी होली चौक पर हूँ और पहला ऑर्डर अपने पास में आ गया है, अभी तो ट्रैफिक लगा हुआ है, यहीं पे खड़ा था। ये ऑर्डर आया मेरे पास में भाई 96 रुपये का, जो लेके जाना है हल्दीराम ओखला, तो भाई पिकअप करने चलते हैं। फिलहाल इस ट्रैफिक में हालत देखो, होली चौक का कितना बुरा हाल है इस रोड का, ये देखो सीन, यहाँ पर देखो गाड़ियाँ किस तरीके से फंसी हुई हैं भाई, बहुत ही बुरा हाल है। तो करते हैं भाई इसको पिकअप। भाई ये पहुँच गया हूँ यार लोकेशन पर, पता यार 96 रुपये में मुसीबत ही ले ली यार, पहले ही ऑर्डर है, इतना ट्रैफिक यार, बस वही है कि निकलना है तो यार कुछ तो करना पड़ेगा। और आगे है क्या? ले भाई और आगे हो जाते हैं, या ऊपर जाना है रोड पे भाई, कैसे मजे ले रहा है, फ़ोन करता हूँ भाई। भाई कस्टमर हमारे यहीं है, चलो ठीक है, बस बाइक मोड़ना है और पार्सल लेना है, और भाई ब्रेक मारने भी बेकार है भाई ऐसे में, तो ये उधर से लगाइए बस, ऐसा ना हो कि कोई भारी भारी सामान देने लग जाए, नहीं तो अभी सीन हो जाएगा। यहाँ से थे कहाँ से थे, आवाज़ कहाँ से लगाई थी यार, ये है हार्डवेयर वाले, देखते हैं भाई क्या जाएगा। अबे यार ये फोल्ड, अरे यार ये तो बड़ा हो जाएगा, ये वाली सीट तो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, पीछे निकालो ना पीछे, अरे वो तो निकाल तो दूंगा पर साइज में बड़ी हो जाएगी आपकी, ये डायमेंशन होती है ना पोर्टर में, चार्ज लग जाएगा फिर आपका इस पे, साइज का मैं पहली बार थोड़ी ना लेके जा रहा हूँ, मैं भी 4 साल से लेके जा रहा हूँ, अगर आप पहली बार नहीं भिजवा रहे हो तो हाँ कोई नहीं ये ले जा दो, ठीक है हल्दीराम पे देना, कहाँ पे पेमेंट वही कराएंगे, ठीक है डन, ये फिर ठीक है इसमें मतलब इसको ऊपर रखना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है ठीक है भाई। भाई क्यों लेके जाना है, एक्स्ट्रा लेके क्यों जाना है जब पैसे नहीं मिल रहे, भाई ये लेके जा रहा हूँ साइज में देखो, ऐसे करते हैं भाई डिस्टेंस दिखा देता हूँ अब आपको, कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, क्योंकि भाई ट्रैफिक कितना लग रहा है, टूट फाट जाएगी क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं इससे, भाई डिस्टेंस दिखा, इसे तो बांध लूँ मैं, ये देखो अपना जो 40 सेंटीमीटर होता है ये रहा, बस थोड़ा सा ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डिस्टेंस दिखा रहा 4.7 किलोमीटर, 16 मिनट लगेंगे भाई ये देखो। चलो चलते हैं भाई, करते हैं इस ऑर्डर को कम्प्लीट। देखो यार मुझे ऐसे कस्टमर ना बहुत सही लगते हैं, या तो ओवर साइज पार्सल हो तो उस पर एक्स्ट्रा पैसे दे दो, है ना, क्योंकि आप ओवर साइज भेज रहे हो, या तो फिर उस पार्सल को ही मत भेजो जैसे इन कस्टमर ने किया, उन्होंने बोला कोई नहीं आप इसे छोड़ जाओ बाकी ले जाओ, तो भाई मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और भाई उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई मेरा भी काम हो रहा है उनका भी काम हो रहा है, उनका पार्सल डिलीवर हो रहा है और भाई मेरे को उस सामान के पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसे कस्टमर मेरे को बहुत सही लगता है। ये नहीं जबरदस्ती करो जाएंगे नहीं ले जाओ, सब लेके जाते हैं, सीधी बात उन्होंने बोली मैं पहली बार नहीं भेज रहा हूँ, मैंने बोल दिया भाई मैं भी पहली बार नहीं ले जा रहा हूँ, 4 साल से ले जा रहा हूँ, तो सीधी बात नो बकवास, तो लेके जा रहा हूँ, पहुँच गया हूँ तुगलकाबाद, बस देने वाला हूँ ये ऑर्डर, फिर यहाँ से अपनी शुरुआत होगी बढ़िया बढ़िया ऑर्डर होगी, बाकी तुगलकाबाद आ गया हूँ भाई, आगे का सफ़र दिखाते हैं आपको। भाई पहुँच गया हूँ लोकेशन पर, इस पे कॉन्ट्रैक्ट पे तो लिखा हुआ है 7 सेटी प्लाईवुड हल्दीराम, तो नीचे तो है 1 सेटी प्लाईवुड, तो यही पता करते हैं, अभी हल्दीराम में तो देना ही नहीं होगा, प्लाईवुड वाले के पास में देना होगा, पता करते हैं भाई इन्हीं का है क्या, क्यों डायरेक्ट कॉल करनी भाई, दे दो डायरेक्ट ले जाके संगम यार सा है। वो बड़ी थी टूटने का डर था लेकिन यार साइज में ओवर थे ना, वो ओवर साइज थी ना वो, तो उन्होंने रख लिया करे वो, ये ले जाओ 96 रुपये देने भैया। तो भाई डिलीवर हो चुका है ये ऑर्डर, 96 रुपये का ऑर्डर 5 स्टार के साथ में डन,
और अभी दिखाता हूँ, कमीशन कटने के बाद 76 रुपये मुझे मिले। क्या ये बात सच है कि पोर्टर के ऑर्डर मुझे ढूंढते हैं कि आफ्ताब कहाँ है, उसकी आईडी पर ऑर्डर बजाना है? अभी बताता हूँ। देखो, ये बात सच है कि पोर्टर के ऑर्डर मुझे ढूंढते हैं कि आफ्ताब कहाँ है, उसके पास ऑर्डर बजाना है। और ये बात भी सच है कि मेरे पास ऑर्डर मिस हो जाता है, कोई और ले जाता है। यार इतना दुख क्यों है? गजब बेइज्जती है। कोई और ले गया, किसकी किस्मत में था, जिसकी किस्मत में था वो ले गया भाई। कोई बात नहीं, आएगा, मुझे टेंशन नहीं है ऑर्डर की, खुद आएगा खुद, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर खुद आएगा मेरे पास। अरे यार, आउटलेट टू आउटलेट ऑर्डर बजा दिया इन्होंने मेरे पास में 125 रुपये का। यार पिकअप लंबा दे दिया यार इन्होंने, लगभग 2.5-3 किलोमीटर का पिकअप दे दिया भाई। भाई ये देखो 2.6 किलोमीटर का पिकअप दे दिया भाई इन्होंने। यार ऐसे क्यों करते हो यार? चलो कोई नहीं भाई, हंसते हंसते करो काम, बाकी देखी जाएगी जब होगी शाम। चलते भाई, करते हैं पिकअप। भाई जब भी मैं इन फूड वाले रेस्टोरेंट या कैफ़े वैफे पे आता हूँ भाई, मेरे को जोमेटो स्विगी वाले दिन याद आ जाते हैं कि यार कैसे मैं भागा फिरता था 20-20 रुपये के ऑर्डर के लिए। कहाँ गया भाई ये रेस्टोरेंट तो? हाँ ये रहा, रुक जा भाई, कोई आ रहा है क्या? मतलब जोमेटो में 20 रुपये के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, स्विगी में भी करनी पड़ती है, पर पोर्टर में थोड़ा हमारा मज़ा आता है कि उठाओ और ले जाओ। भाई ये पहुँच गया हूँ आउटलेट पे, तो पिकअप करता हूँ फटाफट पार्सल, क्योंकि हेलमेट लगा कर अंदर जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई ये ऑर्डर कर दिया मैंने कैंसिल, क्योंकि आप देख सकते हो साइज़ में कितना बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई बिना एक्स्ट्रा चार्ज के। वो बोला हमारा कंपनी से टाइप होता है, अगर आप ला सकते हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मैं इसको कर दिया कैंसिल, इसको देता हूँ वापस, कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस पे, तो हम इसको नहीं लेके जा रहे हैं। टूट जाएगा बाइक पे रस्सी से बांधने पे, कैंसिल कर दिया भाई। दूसरा ऑर्डर बच गया अपने पास में, एक्सेप्ट हो गया भाई। ये देखो भाई, दूसरा ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया हमारे पास में 100 रुपये का, बहुत ही बढ़िया। चलो रिक्स नहीं लेना बिल्कुल भी, जहाँ कस्टमर बोले कि नहीं, मैंने बोला देखो टूट गया तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, उन्होंने बोला नहीं आपको जिम्मेदारी से लाना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं लाएंगे, कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि भाई ओवरलोडिंग डबल साइज का पार्सल है तो हम उसको नहीं ले जा सकते बिना एक्स्ट्रा चार्ज के या बिना किसी, या तो रिक्स आप खुद लो, कस्टमर बोले कि नहीं सारा रिक्स मेरा है आप ले आओ, टूट गया तो हम उस पर कंप्लेन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो भाई फिर क्यों लेके जाना है, या तो चार्ज दो फिर, अगर कंप्लेन करोगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी से लेके आऊँगा। भाई अब इसका पिकअप डिस्टेंस दिखाऊँ, पोर्टर ने मुझे कुछ दिया नहीं दिया वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर 3 किलोमीटर तो मैं आया था, पर रिक्स नहीं लेना, क्योंकि अगर उस ऑर्डर पे थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है और कस्टमर ने मेरी कंप्लेन कर दी तो भाई मेरी परमानेंट नौकरी चली जाएगी। तो भाई थोड़ा सा लालच के चक्कर में मत आओ, जो सामान दिख रहा है ओवरलोडिंग है मत लेके जाओ, पैसे एक्स्ट्रा भी लेके तब जाओ जब तुम उसको सेफली डिलीवर कर सको। अगर टूट गया तो या तो पूरे पैसे आपको ही देने पड़ेंगे उस सामान के, नहीं दोगे तो आपकी नौकरी परमानेंट गई। भाई मैं ये चीज़ें समझाता रहता हूँ आपको बीच बीच में वीडियो में, ताकि आपकी कभी भी आईडी सस्पेंड ना हो या आप ये गलती ना करो। तो चलते हैं भाई, 500 मीटर से पिकअप है और करते हैं इसको पिकअप। भाई ये पहुँच गए हम अपनी पिकअप लोकेशन पर, ये तो सोसाइटी के अंदर से ही कहीं से लेना है भाई, तो इस वाले कट के अंदर ही था क्या? अरे भाई कौन से वाले कट में, ये तो रुक गया यार, ये तो चल ही नहीं रहा मैप। ए मैप को क्या दिक्कत हो जाती है, आगे कोई कट है या यही कट है? भाई आगे वाला भी कट दिखा रहा है, आगे देखो कोई कट, पता नहीं आगे तो कट ही नहीं है भाई, हट यही होगा यार। चलो पिकअप करता हूँ भाई इस पार्सल को फटाफट। ये भाई पहुँच गया बेसमेंट से पिकअप है, ठीक है मैम आ जाइए। भाई पार्सल हो चुका है अपना पिकअप, ये लेके जाना है, ठीक है ट्रिप को करता हूँ स्टार्ट। नेटवर्क तो है नहीं, स्टार्ट कहाँ से होगी, होने दो इसे, नेटवर्क आएंगे तभी तो होगी। तो भाई बैग में रखे पार्सल, अब ड्रॉप डिस्टेंस मैं इसको दिखाता हूँ, 100 रुपये का ही ऑर्डर है, डिस्टेंस इसका कितना होने वाला है, इसका डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर है, देखो आपके सामने कुछ नहीं किया, दिख रहा है, दिख गया। चलो चलते भाई, करते इस ऑर्डर को कंप्लीट। अच्छा ओखला फेस वन का यार ये बढ़िया ऑर्डर है, चलो 16 मिनट के अंदर कंप्लीट। तो भाई पहुंच गया हूँ मैं अपने ड्रॉप लोकेशन पर, और ये लोकेशन है पोर्टर ऑफिस से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर। और पता है यहाँ पर ऑर्डर मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि भाई बहुत बंदों की आईडी एक्टिवेट होती है, तो भाई सब ऑनलाइन करके बैठे होते हैं तो ऑर्डर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी यहाँ पर देना है
तो फ़ोन करते हैं और करते हैं इस पार्सल को डिलीवर। और सर पार्सल आया है ये जीके टू से आया, GK2। ₹100 करानी है, बोले ले लो उनसे। हाँ नहीं बोले जिनको दो उनसे करा ले लो भाई। ये कर दिया ऑर्डर डिलीवर ₹100 लेकर, तो ₹100 पे 20% कटा तो ₹80 मिले हमें 5.2 किलोमीटर के, और अर्निंग हो गई है ₹156 हमारी। और भाई पोटर अब दिखा दे तू अपना कमाल थोड़ा सा, कि भाई मेरी आईडी पे ऑर्डर नहीं रुकते, ये लोगों को भी दिखाओ और जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। ये भाई तुगलकाबाद से ओखला फेस टू का बज रहा है, मैं तो ओखला फेस वन में, तो तुगलकाबाद से कौन लेने जाएगा भाई 3 किलोमीटर से, नहीं लेना भाई। भाई इधर पीछे राइडर बैठे हुए सारे पोर्टर वगैरह के, और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ पोर्टर ऑफिस, मतलब अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर रोड पे दिखाऊंगा लोगों की कितनी भीड़ पर डे ज्वाइनिंग के लिए पोर्टर ऑफिस पर आ रही है। तो मैं अपना शीशा भी बंद कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को बोलते हुए कोई देखे ना कि भाई, अबे यार मेरा तो ऑर्डर ही ऐप ही खुल गया, खुला है अपना आप खुला हुआ था। ये कहाँ भेज रहा, नोएडा, चल तेरी माँ की यहाँ, नोएडा कोई नहीं जा रहा। भाई देखो ये ऑर्डर बजते हुए ऐसे ही मिस लगेगा सबके सामने, और सबका अट्रैक्शन अपनी तरफ करूँगा ताकि लोग मुझे देखें। इधर देखो ये भीड़ देख रहा हूँ लेफ्ट साइड में मेरे, और राइट साइड में भी पूरी मतलब पब्लिक पोर्टर वाली है, और कुछ नहीं है, मेरा ऑर्डर बज रहा है, लगने तो मिस, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमको, ऐसे ऑर्डर कौन ले रहा है भाई, ये लग गया मिस है ना भाई। ये देखो भीड़ मतलब कि पर डे, ये राइट साइड में पोर्टर का ऑफिस, इधर लेफ्ट में राइडर, देखो यो बहन की आँख, इतने बंदे भाई, आने वाला टाइम खत्म पोर्टर का, काम वाम खत्म भाई, मेरे पास तो ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि भाई मैं तरीका है काम करने का, सारे ऑर्डर लेता हूँ एक आध मिस कर देता हूँ, ताकि कंपनी को ये भी ना लगे कि भाई ये बंदा कुछ तो कुछ कर रहा है, इतने सारे ऑर्डर कैसे ले रहा है। तो भाई मैं मिस भी कर देता हूँ 2-4 ऑर्डर, ताकि कंपनी को भी लगे कि हाँ बंदा ठीक है, बाकी ठीक ही है। वेट करते भाई, बहुत सही में आने वाला टाइम पोर्टर में ना भाई, मैं मेरी बात मानो ना, आने वाला टाइम लगभग 2-4 महीने के अंदर बंदे एक ऐसे बैठे करेंगे झुंड के साथ में, क्योंकि अगर सामने भी देखोगे तो कम से कम 7-8 बंदे बैठे हुए हैं, और पोर्टर के ऑफिस में लगभग 100 से भी ज़्यादा बंदे अभी खड़े हुए हैं भाई वेटिंग में आईडी बनवाने के लिए, और इतनी भीड़ हर दिन होती है। तो आप आने वाला फ्यूचर देख सकते हो अपना पोर्टर में कैसा होने वाला है। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, जल्द से जल्द कुछ भी अपना बिजनेस करो, कोई भी काम वाम पकड़ो, और भाई डिलीवरी लाइन से निकल ही जाओ। एक तो ये ऑफर मेरे को समझ नहीं आता, ये 7 बजे से 12 बजे के बीच में 5 घंटे में 5 ऑर्डर मांगता है पोर्टर। भाई पोर्टर में एक ऑर्डर भी एक से ज़्यादा घंटा ले लेता है, छोटा ऑर्डर भी एक घंटा ले लेता है, और भाई मुश्किल से बड़ा ऑर्डर आ गया तो 1.5-2 घंटा ले लेता। तो 5 ऑर्डर लगेंगे नहीं, इंसेंटिव आप दोगे नहीं भाई, फ़ायदा उसी का है जो मैजिक पिन वगैरह के ऑर्डर मारता है, छोटे छोटे 80-90 रुपये वाला फटाफट मार के खत्म करनी। यार हमें इंसेंटिव देना है, 300 रुपये पूरे दिन में लगवाओ ना हमसे, पूरे दिन में 8 ऑर्डर पे 300 दे दो भाई, फिर देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें 300 रुपये कैसे कमाते हैं, हर दिन उठाऊंगा इंसेंटिव। पर नहीं, जब देना ही नहीं है तो फिर क्या ही करना है, ऐसे कुछ भी कंडीशन रख दो। लो देखो सब बैठे रह गए अपने पास में, ऑर्डर भी बच गया, उधर भीड़ बैठी हुई है, सब जगह बैठी हुई है। देखो ऑर्डर कितने का है, छोटा ही है, कोई लेगा नहीं, पर हम ले लेते हैं भाई, ₹143 का है, लेकर चलते हैं भाई फटाफट पिकअप पे। तो मैं खड़ा ही हूँ, कहीं नहीं जाना है, जहाँ ये राइडर खड़े हुए हैं ना, देखो इनके पास नहीं बजा, ये बिल्कुल उसके बाहर ही बैठे हुए हैं जहाँ से ऑर्डर जाएगा, बज रहा भाई उनका ही बज रहा है। पर ये पता क्या सोचते हैं, छोटा ऑर्डर है यार नहीं ले रहे। अरे भाई तुम्हें नहीं पता पोर्टर का गेम, ऑर्डर छोटे में ही, जो यहाँ से लेके जाना था, छोटे ऑर्डर में ही तो मज़ा है भाई। पार्सल हो चुका है पिकअप, ये पार्सल लेके जाना है, छोटा सा ही है, इसको बैग में क्या रखूँ मैं, आगे ही रख लूँगा टंकी पे, बहुत ही हल्का है, ये कैरी बैग है थोड़े से, ये लेके जाना है। बाकी डिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ, ड्रॉप डिस्टेंस कितना दिखा रहा है भाई। यार ये फिर मेट्रो का रूट लेने लगा यार, अभी तो ठीक करा था मैंने इसको भाई, 10 किलोमीटर लेके जाना है ये देखो, और 26 मिनट लगेंगे जाने में, ये भाई गजब। चलो चलते हैं, करते हैं, मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखा हुआ है, फिर भी एक बार लगा के देख तो लूँ। गड़बड़ हो जाती है, देखो फिर मेट्रो का रूट भाई, ये पोर्टर के अंदर ही कमी है भाई, ये कुछ और नहीं है, पोर्टर के अंदर कमी है। देखो ये यहाँ से सीधा बाहर, और ठीक है, समझ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके भाई चलो, अब सीधा बाइक रोकेगी वहीं पर जहाँ पर ये देना है। भाई किस ऑर्डर पर कंपनी पैसा देगी, किस पर नहीं देगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर कस्टमर पैसे नहीं देता है तो कंपनी कौन से ऑर्डर पे पैसे देती है, कौन से पे नहीं देती। जैसे ये ऑर्डर है, जैसे ही मैं लोकेशन पे पहुँचा हूँ तो ये नॉन ट्रस्टेड कस्टमर है, तो कंपनी ने यहाँ पर मैसेज पहले ही भेज दिया कि भाई पहला स्टेप आपको पैसे लेने हैं, उसके बाद में पार्सल देना है, ठीक है।
ये नॉन ट्रस्टेड है, इस पे मतलब कि भरोसा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पूरी पैसे लेने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको ही लेने पड़ेंगे पैसे। अगर ऐसा लिखा नहीं आता तो उस पर कंपनी आपको पैसे दे देगी। अगर कस्टमर नहीं भी दे रहा उस टाइम पे तो आप पोर्टर को बोलोगे तो पोर्टर आपके वॉलेट में पैसे ऐड कर देगी, पर ऐसे ऑर्डर पर कंपनी पैसे आपको नहीं देगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किस ऑर्डर पर कंपनी पैसे देती है और किस पर नहीं। तो करते इसको डिलीवर। भाई यार ऑर्डर ही आ गया इतने में तो क्या कमीशन काटने के बाद पैसे बताऊँ, ले लेता हूँ। ये ले लिया भाई ऑर्डर, ठीक है भाई ये पकड़ लिया। अर्निंग दिखा देता हूँ, अर्निंग दिखाऊंगा ऐसी बात नहीं है। 10 किलोमीटर के कमीशन कटने के बाद 114 मिले थे और ये ऑर्डर हमने ले लिया तुरंत। मतलब कि ऑर्डर यार तुरंत ही आ जाता है अपने पास में, रुकाता नहीं है कि भाई उठाओ और जाओ। चलते भाई इस ऑर्डर को पिकअप कर रहे हैं और लेकर चलते हैं। पता है यहाँ से क्या जाता है, फ्रॉक लहंगा सूट साड़ी। कस्टमर का फ़ोन भी आ गया, बड़ी जल्दी सबको यार। देखो भाई सब कुछ पढ़ने के बाद में भी ऑर्डर में तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। सेक्टर 62 नोएडा लिखा रहा था, मैंने एक्सेप्ट किया, ये नोएडा सेक्टर 7 हो गया। मतलब कितना 10 किलोमीटर का हेयर फेयर है इसमें। पेमेंट उन्हीं से लेनी है आप कराओगे, पहुँचने वहीं पे हो जाएगी। ठीक है बता देते हैं कितना टाइम लगेगा। अरे ट्रेन का रूट मत तो 30 मिनट। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना ही बता था, मैंने 30 से 40 मिनट लगेंगे पहुँचने। मैं ब्लॉगर हूँ हाँ जी, इसलिए और फास्ट सर्विस है हमारी। ओके जी भाई लेकर चलते हैं। बोला था ना लहंगा जाएगा, लहंगा ही है इसके अंदर, लहंगा सूट साड़ियाँ ये सब होती है। तो इसको फटाफट बांधता हूँ भाई। भाई इस ऑर्डर पर क्या हुआ, जैसे मैंने एक्सेप्ट किया कस्टमर ने कॉल करके पूछा, आफ्ताब जी ऑर्डर है नोएडा के लिए। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा है ऑर्डर लेकर रुकोगे या डायरेक्ट जाओगे। मैंने बोला रुकने वाला तो कोई काम ही नहीं है अपना, हम तो लेते हैं ऑर्डर सीधे निकल जाते हैं। कह रहे नहीं बहुत से रुक जाते हैं ना, जब तक दूसरा ऑर्डर मिलता नहीं है तब तक नहीं जाते। मैंने बोला हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, फास्ट डिलीवरी मिलेगी सुपर फास्ट। तो कह रहे ठीक है आ जाओ अभी भी। देख के मैंने जब बताया, मैंने कहा 30 मिनट दिखा रहा है, कह रहा कोई नहीं इतना तो चलेगा। मैंने बोला भाई फास्ट डिलीवरी है, 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई देखो अभी कितना डिस्टेंस था, मैंने डिस्टेंस तो बताया नहीं इसका। रुक जाओ अभी खोलता हूँ भाई इसको, इस ट्रिप का डिस्टेंस तो बताना भूल गया। 196 का ऑर्डर था भाई, ये फिर से ख़राब हो गया है। ट्रेन बार बार ट्रेन मेट्रो पकड़ता भाई, 15 किलोमीटर है। तो चलते हैं कंप्लीट करते हैं, 29 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे हम इस ऑर्डर को, सुपर फास्ट सर्विस। गिरा भी साला मर जाता भी, चल झूठा। हाथ मत छोड़ा करो, हल्की स्पीड पे तेज पे भले, हल्के पे मत छोड़ो। वीडियो देखते हो किस नाम से अच्छा डिलीवरी करते हो, बढ़िया। तो कोरियर वाला होगा आपका तो फिर? हाँ मैं फ्लिपकार्ट में। तो फिर तो सारे एड्रेस पता होंगे। तो बताओ C17 कहाँ पर है? C17 Sector 7 बाहर निकल जाओ, आगे एक कट आएगा उसको छोड़कर। हाँ दूसरा कट आएगा ना, हाँ उसके अंदर जाना लेफ्ट में, वहीं से बिल्कुल पहले बी ब्लॉक खत्म होती, सी ब्लॉक शुरू होगा। 1 2 3 दूसरे कट में चलो बढ़िया। अच्छा हेमंत नाम है, चलो भाई बढ़िया। मैं भटकता रहता, नहीं तो मैं पूछ रहा था, नहीं से पूछूंगा कुरियर वाले हैं ये, इन्हें तो पता होगा सब एड्रेस। चलो ठीक है भाई, चलो भाई सब्सक्राइबर भी मिल गए और भाई मैंने एड्रेस भी पूछ लिया, क्योंकि मेरे को शर्म आती है एड्रेस पूछने में लोगों से कि भाई ये कहाँ ये कहाँ। या तो भाई व्हाट्सएप पर भेज दो डायरेक्ट, कस्टमर कॉल नहीं उठा रहे थे तो भाई इन भाई से पूछ लिया मैंने, इन्होंने बता दिया। इन्होंने बोला दूसरे कट से जाना है, छोड़ दो भाई दूसरे कट में चलते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद भाई हमने ढूंढ लिया है ये, अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये लो भाई मैं पहले गलत जगह पहुंच गया था और अब ढूंढते ढांढते सही जगह आ गया। कोई बात नहीं भाई, ट्रिप को एंड कर देते हैं कि पेमेंट लेनी है अब इन्हीं से। अब इधर जाऊँ या इधर जाऊँ पता नहीं, किधर जाऊँ पूछ लेता हूँ, इधर जाना पड़ेगा। तो हंसते खेलते भाई हमारा ये ऑर्डर भी हो चुका है डिलीवर 5 स्टार के साथ, मैं इसको भी करता हूँ डन। और 15 किलोमीटर के मैं दिखाता हूँ आपको कितने पैसे मिले इस ऑर्डर पे कमीशन कटने के बाद। 15 किलोमीटर के 153 मिले हमें कमीशन कटने के बाद, 153 हमें पूरे मिल गए, मतलब कि पूरे 10 रुपये पर किलोमीटर। और अर्निंग की बात करो तो 3 घंटे 21 मिनट में 424 रुपये का काम मेरा हुआ है आज।
बाकी चार ऑर्डर लग गए यार, चार, ये तो ऑन एवरेज जिस 100-125 रुपए ऑर्डर चल रहा है, 100-125 रुपए भी नहीं चल रहा यार, 106 रुपए ऑर्डर चल रहा है यार ऑन एवरेज देखो भाई, चार ऑर्डरों में 424 का काम कैसे कर रहा है पोर्टर, जरा दे यहाँ से 300-400 का ऑर्डर, दिखा दे अपनी पावर। वेट करते भाई ऑर्डर आने का, सेक्टर 7 में हो तो जाने की कहीं ज़रूरत है नहीं, सेक्टर 7, 8, 9, 10 ये सब ऑर्डर वाली जगह है। देखो तुम मानो या ना मानो भाई, कुछ तो बात है, क्या बोला था मैंने 300-400 का ऑर्डर दे दे, पोर्टर ने सुन ली ऑर्डर बगड़ा दिया 410 रुपए का, ओ लो भाई मजा आ गई, 410 पिकअप दिखाता हूँ कितनी पास से पिकअप है, पिकअप तो सामने से राइट लेफ्ट लेके पहुंच जाऊंगा, देखो 600 मीटर से पिकअप है भाई, ऑर्डर गजब का है, पर ऑनलाइन पेड है, सारा पैसा हमारे वॉलेट में आएगा, कोई बात नहीं भाई, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, गुड़गांव चले भैया, बिना गुड़गांव जाए तो हमारा दिन ही नहीं निकलता है, चलते भाई फटाफट करते हैं इस ऑर्डर को पिकअप, दिल गार्डन गार्डन हो रहा भाई, जितने मैंने इतने घंटों में कमाए ना उतने एक झटके में कमा लूंगा भाई। पहुंच गया हूँ लोकेशन पर, पार्सल को करते हैं पिकअप, बोला है गार्ड साहब के पास में होगा पार्सल, तो ठीक है गार्ड साहब को इन्फॉर्मेशन देते हैं और लेते हैं भाई फटाफट पार्सल, गुड़गांव का पार्सल होगा, उन्होंने बोला गार्ड साहब के पास में होगा, फोन तो क्या नहीं है, बात करा देता हूँ। तो भाई ये पार्सल हो चुका है पिकअप, भाई कुछ जगह आप पार्सल लेते हुए नहीं दिखता होगा, बताऊँ क्यों, क्योंकि कहीं जगह 10-15 मिनट वेट करना होता है तो हेलमेट उतार देता हूँ, क्योंकि गर्मी में यार हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर से भारी भी बहुत होता है, फिर मैं सोचता हूँ सीधा पार्सल लेकर ही दिखा दूंगा। 38 किलोमीटर है भाई ये देखो, और 1 घंटा 16 मिनट लगेंगी जाने में, ये देखो भाई 38 किलोमीटर है, और एक और रूट है मैं अभी दिखाता हूँ, प्लीज़ ये रूट थोड़ा छोटा हो, और ये रूट हो लगभग 36 किलोमीटर, ओबे भाई बे भाई देख लो भाई 36 किलोमीटर है भाई ओबे भाई पूरा रट रखा है मैप वैप सब कुछ बिल्कुल ओके परफेक्ट ही जा रहा है भाई सब कुछ। चलो भाई चलते हैं और करते हैं इसको डिलीवर, 1 घंटा 15 मिनट के अंदर ऑर्डर हो जाएगा कम्प्लीट ही ऑर्डर। भाई चलते चलते क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में भाई, यहाँ पर कस्टमर ने ना अपना आप ही एड स्टॉप कर दिया और फोन करके बोला आपको जो लोकेशन दी गई है वहाँ पर नहीं जाना, आपको जाना है एम्बियंस मॉल गुड़गांव। मैंने ठीक है मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ता है, बट अब मुझे लेफ्ट नहीं जाना, अब मेरे को स्ट्रेट जाना पड़ेगा, और भाई मैं जा रहा हूँ एम्बियंस मॉल भाई, मज़ा ही आ जाएगा इस ऑर्डर पे, 50-50 रुपये तो बढ़ ही जाएंगे लगभग, क्योंकि भाई ज़्यादा डिस्टेंस का फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही डिस्टेंस होगा मेरे को ऐसा लगता है, तो इस चक्कर से ज़्यादा पैसे नहीं बढ़ेंगे, पर जो भी बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो सही, बाकी देखेंगे एम्बियंस मॉल पे कंप्लीट करके इस पे कितने पैसे बढ़ते हैं। देखो ये देखो दिख रहा है एड स्टॉप हो चुका है भाई, अरे बाबा ये क्या लेके जा रहा भाई, ओ भाई साहब 10 फीट का पार्सल ये वाले राइडर लेके जाते हैं, जब हमें कस्टमर बोलते हैं ना कि सब ले जाते हैं, ये लेके जाते हैं भाई 10 फीट का पार्सल, वाह वाह वाह, अभी ठुक जाता मैं इसके वाह वाह के चक्कर में, ए भाई यार मतलब वो कुछ डर, अरे भाई यार हेलीकॉप्टर बना रखा, रुक 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 कहाँ जा रहा है, रुक 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 रुक, ये भाई देखो ये लेके जा रहा हेलीकॉप्टर भाई पूरा बना के हवाई जहाज, ये वाह कोई डर नहीं कोई बात नहीं बेटा मुन्ना, ले जा ले जा ले जा ले जा, किसी के अगर लग गई ना फिर तेरा भुर्ता बना देगा कोई बढ़िया से। ये हमारा गुड़गांव का एम्बियंस मॉल, और मैं अब स्पीड ही हल्के नहीं करता हूँ, गार्ड से पूछा है, उन्होंने बताया है कि आगे से जाओ और ले लो राइट और आपके पास में आ जाएगा गेट नंबर 2। सही बताया गलत बताया नहीं पता, सही बताया होगा, गलत क्यों बताएंगे भाई। बाकी भाई ये सड़कें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं गुड़गांव में, इधर मॉल के पास में आके, अरे भाई देख दाख के ये देखो भाई कितना शांत इलाका है ना, कोई इतना ट्रैफिक नहीं, सर में दर्द वो नहीं, ये फालतू की चीज़ें नहीं है, हॉर्न वॉर्न एकदम शांत। आप यहाँ कभी देखो कैसी टेबल लगी हुई है बाहर कैफे वैफे में, हमारी किस्मत कहाँ किसी को लेके आने की, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। थैंक यू बॉस, वेलकम भाई, ट्रिप को करते हैं कंप्लीट, ये हो गई भाई एंड, देखते हैं कुछ फेयर बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता इसका, ये कैमरा अंकल भाई कोई पैसा नहीं बढ़ा इस पे, बाकी एक बार पोर्टर वालों से बोल के देखते हैं कुछ होता है क्या अपडेट, नहीं तो फिर भाई साहब इसको ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है ना।
तो भाई पार्सल हमने कस्टमर को दे दिया है, इस पे फेयर चेंज नहीं हुआ क्योंकि भाई पूरे पूरे उतने ही किलोमीटर था, कोई भी 19-20 बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तो भाई हम वही 36 किलोमीटर आए इस ऑर्डर पे और 36 किलोमीटर के 411 रुपए हैं और कंप्लीट करते हैं इस ट्रिप को 5 स्टार के साथ में, डन कर देते हैं। और अर्निंग दिखा 36 किलोमीटर के हमें कितने पैसे मिले भाई, 36 किलोमीटर के हमें मिले भाई 328 रुपए कमीशन कटने के बाद, 36 किलोमीटर के 328 रुपए हमें मिले भाई। बाकी आगे मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सेक्टर 24 गुड़गांव, वहाँ पर जाकर बैठूँगा, कोई ऑर्डर आ सकता है। फिलहाल मैं MES मॉल पे था तो थोड़ी सी आगे जाकर रुक जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। बाकी ऑर्डर मेरे 5 हो चुके हैं और घंटे मुझे हो चुके हैं 5 घंटे 26 मिनट और अर्निंग हो गई है भाई 750 रुपये की भाई। यहाँ पर 1 घंटा हो गया, कोई ऑर्डर आ नहीं रहा, अर्निंग उतनी ही है और आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बाकी इधर मैं फ्री बैठा था तो मैंने एक रील एडिट कर ली साथ के साथ में और मैं दिखा देता हूँ भाई मैं रील कैसे एडिट करता हूँ। ये रे भाई मैं दिखा नहीं रहा हूँ कुछ भी, आवाज़ सुना के देखो इसके नीचे कितनी लेयर लगी हुई हैं, तो ये देख सकते हो ये छोटी सी रील में भी कितनी सारी लेयर लगती हैं। ये रील आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, बहुत फनी रील है। हुआ क्या था यहाँ पर, एक ऑर्डर जो मैंने कंप्लीट करा था भाई उसमें फेयर थोड़ा बहुत तो चेंज होना चाहिए था, मैंने सपोर्ट वालों को फ़ोन किया तो भाई क्या हुआ हिस्ट्री में दिखाता हूँ। मैं सपोर्ट वालों को फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, उन्होंने क्या करा मेरी ट्रिप को कर दिया कैश और मेरे सारे पैसे निकाल लिया वॉलेट से। ओ भाई मैंने 3-4 सपोर्ट वालों को फ़ोन करा, बड़ा परेशान कर दिया, करा कस्टमर से लो। फिर भाई मैंने कस्टमर को रिक्वेस्ट डाली कि भाई आपका कि मैडम आपका अमाउंट रिफंड कर दिया पोर्टर वालों ने, तो आप प्लीज़ उसे पोर्टर ऐप पर पे कर दो भाई। कम से कम आधे घंटे बाद वो पे हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था। उसी टॉपिक पे रील है जो कि इमोशनल रील है और लास्ट में जाके फनी है। बाकी भाई मैं अब काफ़ी ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिए तो मैं अब आपसे मिलता हूँ थोड़े गैप के बाद, क्योंकि कुछ बज ही नहीं रहा तो यार मैं कब तक ऐसे ही बैठा रहूँगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अभी 5:30 बजे लगभग 7:30-8 बजे, ठीक है भाई। वीडियो क्या बंद कर दी थी पोर्टर ने, तो भाई ऑर्डर ही देना बंद कर दिया 4:30 बजे के बाद। अब ऑर्डर आया 7:12 पे, पूरे 2 घंटे 45 मिनट बर्बाद होने के बाद में ऑर्डर आया। देख रहा हूँ भाई ऐसे भी करता है भाई, मतलब पोर्टर की अगर तारीफ कर दो ना तो पोर्टर वहीं पर भी औकात दिखा देता है कि मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ, जरा थोड़ी सी बुराई भी कर दो मेरी। हाँ यार दो घंटे 45 मिनट बहुत होते हैं यार, इतने में 400-500 रुपए का नुकसान हो गया मेरा लगभग। चलो कोई नहीं, इस ऑर्डर को भी करते हैं पिकअप, है छोटा सा ही ऑर्डर है, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है 126 रुपए का। चलो पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं, मैं सोच रहा हूँ 5 ऑर्डर आज गुड़गांव में ही कर दूँ, इसलिए मैंने गुड़गांव से गुड़गांव का ऑर्डर पकड़ लिया भाई। ये लेके जाना पेमेंट कौन कराएगा इसकी? मैं करूँगा। ठीक अभी कर रहे हो, बाद में करो? नहीं बात जो पहुंच जाए मेरे को, मतलब जिसने रिसीव किया उससे बात करा देना। ठीक है, रिसीवर का नंबर उस पर है। ठीक है। अभी तो मजाक तो नहीं कर रहा है मेरे साथ में, पत्थर उठा के दे दिया इन्होंने कभी बात और फोन देना उठाए के लिए। भैया हमने तो अपने घर का कूड़ा फेंक दिया अभी ऐसा तो नहीं हो रहा। बाकी डिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूँ कितना डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस है इसका 8 किलोमीटर और 23 मिनट लगेंगे जाने में। चलो फटाफट इस पत्थर को फेंकते हैं और अपने पैसे लेते हैं। ये सैंपल है, तो भाई पार्सल तो हो चुका है कंप्लीट, सैंपल लेके आना था यहाँ मार्बल्स में, तो शायद कस्टमर को कोई पत्थर मंगाना हो तो उसका सैंपल भेजा था। बाकी ये कर दी ट्रिप एंड, कस्टमर से मंगाते हैं पैसे और इसको करते हैं कंप्लीट। भाई अभी गुड़गांव के अंदर हूँ और गुड़गांव में ही था जब लास्ट वीडियो करी थी, अभी कुछ अपडेट देनी थी भाई। मैं डिनर का इंसेंटिव लेने की सोच रहा हूँ आज, तो मेरे 3 ऑर्डर तो हो गए हैं डिनर में और अभी 9 बज रहे हैं, मेरे पास में 3 घंटे हैं 10, 11, 12, तो 2 ऑर्डर और लग जाएंगे तो भाई हो सकता है मुझे इंसेंटिव मिल जाए। बाकी देखोगे तो ऑर्डर आज बहुत ही छोटे छोटे हैं, देखो 88 रुपये कमीशन कटने के बाद, 80 रुपये कमीशन कटने के बाद, 100 रुपये कमीशन कटने के बाद, मतलब आज ऑर्डर बहुत छोटे लगे क्योंकि 8 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं और अर्निंग हुई है 1,065 रुपये की। मतलब ऑर्डर ही ऑर्डर है, बस अर्निंग नहीं है आज। बाकी मैं बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं सेक्टर 54 के अंदर था ये कहीं पर, शायद किसी के जान पहचान की सोसाइटी हो तो पता चल जाएगा जो गुड़गांव का होगा, पर मेरे को नहीं पता। तो भाई बाहर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। भाई अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैंने लास्ट ऑर्डर कंप्लीट करा था 9:25 पे, ऑर्डर भी देखोगे तो कितना छोटा सा है, 68 रुपये मिले थे कमीशन कटने के बाद भाई। मतलब कि 4 ऑर्डर मैं कर चुका हूँ डिनर के अंदर और भाई 5वां ऑर्डर ये मेरे को दे ही नहीं रहा, 1 घंटा हो गया। मैं कम से कम 4-5 लोकेशन बदल चुका हूँ 10-10 15-15 मिनट बैठकर जहाँ पर ऑर्डर आते थे,
पर कहीं भी ऑर्डर नहीं बज रहा भाई, मेरे को तो ये परेशान कर रहा है। पर मैं भी डीट हूँ, एक ऑर्डर मार के जाऊंगा भाई। 10:30 बज रहे हैं, 12 बजे तक का टाइम है, मैं पूरा दे के जाऊंगा आज। मुझे ये 300 रुपये जो ये बोलते हैं भाई, कहाँ गया वो, ये वाले 300 रुपये आज लेने हैं। 5 सितंबर 5 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं 7 से 12 में, ये मुझे लेने हैं भाई। स्पेशल इंसेंटिव मुझे उठाना आज, मैं और आगे जा रहा हूँ, वहाँ बैठूंगा जाके, क्या सिकंदरपुर, मुझे चाहिए ये आज, मैं लेकर आऊंगा। A few moments later, आखिरकार मेरी हिम्मत रंग ले आई, मतलब मेरी मेहनत रुकने की। 411 का ऑर्डर बच गया, कस्टमर का फोन आ गया, रुको पहले पूछ लेता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कि मुझे 500 रुपये उन्हें डालने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है डाल दीजिए, यही नंबर है। हेलो, हाँ 1500 आ गए हैं। ये फंस गया सी एम, एपी सेन सेना करके लिखा रहा है। भेज दे भैया, गजब टू बीवाज आदमी हो। मैं स्क्रीनशॉट क्यों डालूं, चेक करो ना तुम। हेलो, स्क्रीन शॉट नहीं भेजूंगा मैं, वो देख लो चेक कर लो, मैसेज आ गया होगा। सुन ले, जिसको तू चला रहा है ना, तेरी माँ। ओए सुन तू, तेरी आईडी भी बंद होगी अब, क्या बुक भी नहीं कर पाएगा दोबारा इसे, अब पोर्टर को इस मोबाइल से निकल। भाई ये ऑर्डर तो कर दिया उसने कैंसिल, फ्रॉड बंदे ने। बाकी मैं अभी इस पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कल इस बंदे की आईडी सस्पेंड करवा दूंगा, ताकि ये दोबारा इस नंबर से बुक ना कर पाए। बाकी भाई यार उम्मीद पे रुका हुआ था मैं, यार मैं इतना खुश हो गया था कि यार 400 प्लस का ऑर्डर आ गया, मेरी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। पर नहीं यार, एक से एक फ्रॉड बंदा मिलता है, पर मैं इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अवेयर हूँ इन सब चीज़ों से। मैं कभी किसी के झांसे में नहीं आता हूँ, मैंने उसका बढ़िया फिरकी ली, मज़े लिए उससे, और उसके बाद में फिर भाई गाली गलौच हुई, फ़ोन काट दिया, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। भाई देखोगे 11:30 बजने वाले हैं, 2 घंटे लगभग मुझे हो गए हैं सिर्फ गुड़गांव में, इसलिए कि कोई एक ऑर्डर मिल जाए मुझे, सिंगल एक ऑर्डर, और मैं उसको कंप्लीट करूँ और भाई अपना घर निकलूँ। भाई अभी 11:42 हो गए, घर से लगभग 3-4 बार फ़ोन आ गया कि कब तक आएगा, परेशान हो रहे घर वाले, तो मैं अब घर निकल रहा हूँ। हद हो गई पोर्टर की भी भाई, पूरे वही, मतलब कि यहाँ भी मैं 2 घंटे मान के चलो, 9:30 छोड़ा था, 10:30, 2 घंटे मतलब कुछ नहीं आया, एक ऑर्डर आया था फेक, वो भाई अपना कैंसिल करा दिया। उसके पहले भी मैं दिन में भी 2.5 घंटे गुड़गांव में बैठा था खाली, तो 5 घंटे तो मैं गुड़गांव में खाली बैठ गया। बाकी अब मैं पोर्टर को कर रहा हूँ बंद और सीधा निकल रहा हूँ घर। जो किस्मत में नहीं होता ना, तुम पूरा दिन भी बैठे रहो तुम्हें मिलने का नहीं, और जो किस्मत में होगा ना, तुम 4 घंटे के लिए आओ तुम्हें मिल जाएगा। जा रहा हूँ भाई घर, नहीं था किस्मत में मेरी इंसेंटिव, 4 ऑर्डर लगवा लिए साले छोटे छोटे, दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। नहीं मारते मुझे छोटे पोटे ऑर्डर, ये छिल्लर इकट्ठी करी मैंने। भाई पहुंच चुका हूँ अपने घर, ये देखो थक गई, और टाइम देखोगे तो 12:13, मतलब कि 30 मिनट में 23 किलोमीटर में अपने घर आ गया हूँ, बढ़िया। तो भाई घर आ चुका हूँ मैं, और सारी चीजें आपने देखी दिन में क्या क्या हुआ। तो भाई देखो, ये कोई अगर बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल नॉर्मल बंदा है, तो भाई उसके लिए तो ये नहीं है। इस काम को करने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट बंदा चाहिए, जो हर चीजों के बारे में जानता हो, जो कि फ्रॉड से बच सके, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वो सब चीजें जान सके, बहुत सारी चीजें होती है। बाकी हमेशा आप देखते हो तारीफ, कोई ये पॉइंट नहीं देखता, जैसे मैं बताता हूँ कि बीच में इतने घंटे खाली रहा, जैसे गुड़गांव में मैं 2.5 घंटे पहले खाली रहा दिन में 4:30 से 7:30 तक, तो भाई उस टाइम पे भी कोई ऑर्डर नहीं बजा था। ऑर्डर बजने के बाद में मैंने सोचा चलो डिनर का इंसेंटिव ले लेता हूँ, 4 ऑर्डर पे 300 रुपए, वो ऑर्डर भी मैंने भाई 9:30 तक मैंने 4 ऑर्डर कर दिए, और एक ऑर्डर के लिए मुझे पूरे भाई रात के 11:40 तक बैठना पड़ा, और भाई कोई ऑर्डर नहीं आया। घर तक भी मेरी आईडी ऑनलाइन थी, जब तक 12:00 तब तक मैंने आईडी को ऑनलाइन रखा। हमेशा गुड़गांव में जाता था तो ये सोचता था कि बस मुझे दिल्ली का ऑर्डर चाहिए,
पर आज मैं सोच रहा था कि कहीं का भी ऑर्डर चाहिए, बस मुझे एक ऑर्डर दे दो ताकि मेरा 300 का इंसेंटिव मिल जाए। पर नहीं मिला, मुझे एक ऑर्डर नहीं मिला। मिला तो फ्रॉड ऑर्डर, जिस पर मैंने सारा गुस्सा अपना उतार दिया भाई। उसके बाद मुझे घर खाली आना पड़ा वहां से, लगभग 24-25 किलोमीटर गुड़गांव से लास्ट में। और घर आया तो आपने टाइम भी देखा होगा, 11:12:13 हो गई थी लगभग। आज हमने 13 घंटे फील्ड में रहा, 13 घंटे। और अर्निंग की बात करूं तो मैं भी भूल गया। कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई अगर अर्निंग की बात करें तो अर्निंग हुई 1134 रुपए, जिसमें भाई आज मेरी बाइक चली 142 किलोमीटर, 250 का पेट्रोल लगा होगा, 50 रुपए खाने में खर्च, तो 300 खर्च हो गए। तो 300 अगर इसमें से निकालोगे तो लगभग 834 रुपए के समथिंग बचे 13 घंटे फील्ड में रहकर, 13 घंटे फील्ड में रहकर। तो भाई इतना ज्यादा मुश्किल भी होता है, हर दिन काम नहीं होता है, मैं ये भी कहता हूँ। ये फील्ड भाई मुझे लगता है आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत ही खराब इस डिलीवरी लाइन का होने वाला है। पूरे दिन में बंदा 300 400 के लिए भी रोआ करेगा। कंपनियां आइडिया रोक नहीं रही है, लगातार आइडिया बन रही है। और भाई जितने बंदे आते जा रहे हैं फील्ड में, बहुत सारी आइडिया सस्पेंड हो जाती है, जिसमें कभी कभी राइडर का रीजन होता भी नहीं है फिर भी सस्पेंड हो जाती है। मतलब कि इस फील्ड में राइडर की सुनवाई भी नहीं है। बाकी ज्यादा इस वीडियो को नहीं खींच रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ी वीडियो हो गई है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैंने आपको एक चीज भी बताई कि अगर नॉन ट्रस्टेड कस्टमर है तो वहां पर नोटिफिकेशन भी आ जाती है पोर्टर की तरफ से कि पहले पैसे लो उसके बाद में डिलीवर करो। जिस पर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो उसको अगर आप कंप्लीट भी कर दोगे तो उसके पैसे पोर्टर दे देता है। पर जिस पर लिखा आ रहा है, पर जिस पर लिखा आता है कि भाई पैसे पहले लो बाद में पार्सल दो, तो वो फर्स्ट टाइम कस्टमर होते हैं, उस पे पोर्टर कोई पैसे नहीं देती, उस पे सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। इस वीडियो में मैंने 3-4 इन्फॉर्मेशन आज दी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।